नमस्कार, आप देख रहे हैं गीतांश टीवी। प्रस्तुत है समाचार। श्री बंशीधर नगर पुलिस ने NH-75 पर डीजल चोरी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। लूट गिरोह में शामिल 5 लोगों को एक देसी लोडेड कट्टा और 2 जिंदा कारतूस के साथ पकड़ने में पुलिस ने सफलता पाई है। जानकारी देते हुए SDPO नीरज कुमार ने बताया कि पिछले 20 दिनों से NH स्थित पेट्रोल पंप, लाइन होटल, गैराज सहित अन्य जगहों पर खड़ी बड़ी छोटी गाड़ियों से डीजल चोरी की सूचना पुलिस को मिल रही थी। 29 अगस्त को मड़वनिया के शंभुनाथ प्रजापति ने अपने गैराज में खड़ी गाड़ी से इंडिका गाड़ी से आए कुछ लोगों को 2:30 बजे रात में तेल निकालते देखा, जिसके बाद उसने शोर मचाया। शोर के बाद इंडिका कार से सभी फरार हो गए। इस संबंध में शंभुनाथ द्वारा रमना थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई गई है। शिकायत के बाद पुलिस इंस्पेक्टर रमोद कुमार सिंह और थाना प्रभारी कलीम अंसारी के नेतृत्व में गठित टीम ने 30 अगस्त को परसवान पहाड़ी के पास उक्त इंडिका कार को दबोचा। इस दौरान बिहार के बाढ़ निवासी रवि कुमार पासवान, छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिला निवासी कन्हैया लाल नेताम, विशुनपुरा थाना क्षेत्र निवासी उपेंद्र कुमार पासवान और राहुल कुमार पासवान को भी पकड़ा। तलाशी के दौरान रवि के कमर से 1 लोडेड देसी कट्टा और कन्हैया के पास से 2 जिंदा गोली बरामद के अलावा 3 मोबाइल और 5 जर्किंग के साथ 40 लीटर डीजल भी जब्त किया गया। पूछताछ के दौरान इन लोगों ने बताया कि पिछले 20 दिनों से NH पर उक्त काम कर रहे हैं। प्रतिदिन 300 से 400 लीटर डीजल चोरी करते हैं। बताया कि उक्त डीजल को मिशुनपुरा निवासी रामजी प्रसाद को 60 रुपए प्रति लीटर की दर से बेचते थे। पुलिस ने रामजी प्रसाद को उसके घर से गिरफ्तार कर लिया है। छापेमारी के दौरान रामजी के घर से 50 लीटर डीजल भी बरामद किया गया। SDPO ने बताया कि इस गिरोह का सरगना विशुनपुरा निवासी योगेंद्र पासवान है, जो पुलिस को देखकर फरार हो गया। कुछ दिनों से जो है वो NH-75 पर डीजल चोरी की घटना के संबंध में जो है वो सूचना मिल रही थी। इस आरोप में एक कट्टी के द्वारा जो है वो 30 तारीख को इंडिका कार से चोरी करते हुए अपने दुकान से कुछ लोगों को देखा और इस संदर्भ में FIR दर्ज कराया हमारे रमना थाना में। दर्ज करने के बाद FIR जो है एक टीम का गठन किया गया और इंस्पेक्टर मैरोटारी प्रमोद कुमार सिंह के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया। उस टीम के द्वारा जो है वो परसवान के पास जो पहाड़ी है वहाँ पे एक इंडिका कार देखे जाने की सूचना प्राप्त होने पर टीम के द्वारा जो वहाँ पर छापामारी की गई। छापामारी में 4 लोग पकड़े गए और 1 व्यक्ति भागने में सफल रहे। उसमें चारों व्यक्ति जो है उसमें से 1 व्यक्ति बिहार के बाढ़ का रहने वाला है और 1 व्यक्ति जो है वो छत्तीसगढ़ का रहने वाला है और 2 व्यक्ति जो है वो बिशुनपुरा के पतागढ़ा का रहने वाला है। उससे जब पूछताछ की गई तो उनके द्वारा बताया गया कि हम लोग जो है वो चोरी का काम पहले छत्तीसगढ़ में करते थे डीजल चोरी का। इस दौरान जो है वो पतागढ़ा के योगेंद्र के पिता की मृत्यु के बाद हम लोग यहीं आ गए थे। कुछ दिनों के लिए यहाँ पर चोरी की घटना को हम लोग करते थे। उसमें से 1 व्यक्ति जो बाढ़ का रहने वाला है उसके कमर से जो है एक देसी कट्टा भी पकड़ा गया है और एक गोली भी इसमें जो लोडेड था वो पाया गया है। उसके अलावा जो छत्तीसगढ़ का जो व्यक्ति है उसके पॉकेट से जो है वो एक जिंदा गोली बरामद किया गया है। क्या नाम है सर छत्तीसगढ़? छत्तीसगढ़ वाले व्यक्ति का नाम है रवि कन्हैयालाल नेताम का नाम सर। ये लोग जो तेल चोरी कर चोरी करके जो तेल जो है वो बिशुनपुरा के एक व्यवसायी है, उसका नाम जो है वो रामजी प्रसाद है, उनके पास बेचता था। उनके यहाँ भी छापेमारी की गई और छापेमारी में जो है वहाँ से भी जो है 50 लीटर जो है वो डीजल बरामद हुआ है। और साथ में उनके द्वारा बताया गया कि प्रतिदिन जो है ये लोग उनके पास 300 से 400 लीटर डीजल जो है वो बेचते थे और उसी के आधार पर जो है ये वहाँ पर अपना 60 लीटर भी लोग से खरीदता था और करीब 69-70 रुपये में डीजल की बिक्री इसके द्वारा की जाती थी। इंदर है योगेंद्र पासवान फरार है। उन्होंने बताया कि ये सभी पहले छत्तीसगढ़ के रायपुर में डीजल चोरी का काम करते थे। SDPO ने बताया कि इंडिका कार के कागजात जांच किए जा रहे हैं। उक्त दौरान पुलिस इंस्पेक्टर रमोद कुमार सिंह और रमना थाना प्रभारी कलीम अंसारी भी मौजूद थे। धन्यवाद।